नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर कामटी रोड स्थित उपलवाड़ी की कंपनी में आग। इंडस्ट्री एरिया में प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में आग लगी। टायर और प्लास्टिक कंपनी जलकर खाक। नागपुर के मेडिकल प्रवेश के नाम पर ठगी गई को बनाया शिकार, आरोपी गिरफ्तार। और गोकुलपेट में कैफे विला 55 हुकअप पार्लर पर छापा। कैफे विला 55 के संचालक सहित 5 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के कामटी रोड स्थित उपलवाड़ी इंडस्ट्री एरिया में एक पाइप बनाने वाली कंपनी में सुबह 6:30 बजे आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंचने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है, जिनका कार्य चल रहा था, जहां आग का कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है, जो शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की प्राथमिक जानकारी दी जा रही है। सर, आपका नाम क्या? शुएब अंसारी। ये कब से आग लगी और कितने बजे से लगी है? ये आग लगी है 5:45 बजे से सुबह। तो फायर ब्रिगेड कब तक आई, कैसे आई? फायर ब्रिगेड 6:30 बजे आना शुरू हो गई थी। आग कैसे लगी? आग लगी है इलेक्ट्रिक शॉर्ट से, ट्रांसफार्मर शॉर्ट हुआ था, उसके से आग को फ्लो हुआ वहाँ पे। वो कंपनी कौन सी है, क्या है, कैसे? कंपनी हमारी इकबाल सेट की है, पाइप कंपनी है, एक बाबा भाई की ताज करके है, KGN के नाम से उनकी टायर कंपनी है। वो दोनों पूरी जल के खाक हो गई है। और आसपास में दूसरे लोगों भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। जावेद अच्छा का अच्छा खासा माल जल गया पूरा, प्लास्टिक बकेट वगैरह पूरे इनके। कैसी लगी है, क्या है हुआ, थोड़ा डिटेल बताओ। कितने कारखाने जले, कैसे जली है, इसका तो अभी कोई खुलासा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कोई तहकीकात नहीं हुई है। लेकिन अभी 2 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। एक गोडाउन से शुरुआत हुई थी और बाद में वो आग तेज़ी से बाकी के गोडाउन में फैली है। अब तक ये 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं, और जो ओपन में जो स्क्रैप रखा हुआ है वो भी जल रहा है। मेजॉरिटी ये प्लास्टिक और टायर का ही स्क्रैप है। और इसकी कंपनी की सर अभी तक वो नाम और वो अभी हम लोगों ने प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन 3 एस्टेब्लिशमेंट अभी पहले से शुरुआत की इसमें नज़र आ रहा है। कंपनी की है ये स्क्रैप को और टायर के रिमोल्डिंग का काम नज़र आ रहा है। प्लास्टिक स्क्रैप है, कोई जान की हानि या इंजरीज की अभी तक के कोई रिपोर्टिंग नहीं है। यहाँ सिर्फ पानी की किल्लत है, उसके वजह से थोड़ा सा मुश्किल जा रही है। शहर के बाहर एक कोने में होने के कारण यहाँ पर जो पानी, गाड़ियों को पानी भर के वापस आने में कितनी गाड़ी लगी सर? 8 गाड़ियाँ या इसके लिए हम लोगों ने भेजी हुई है। कामठी नगर परिषद की भी गाड़ी मंगाई हुई है। सुबह से 8 गाड़ी लगी जी। नागपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा देकर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। सीताबर्डी पुलिस ने आरोपी नरेंद्र लक्ष्मण इंगले, गुलमोहर अपार्टमेंट टेकानाका को गिरफ्तार कर जांच आरंभ की है। इंगले द्वारा कई लोगों को शिकार बनाए जाने का भी पता चला है, उससे पूछताछ में इसका खुलासा हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को इंगले के कार्यालय से डायरी मिली है। इसमें कई लोगों के नाम तथा करोड़ों रुपए की राशि लिखी हुई है। इससे इंगले के काफी वक्त से MBBS में दाखिला दिलाने की एजेंसी चलाने का संदेह होता है। केस की बारीकी से जांच करने पर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इंगले काफी समय से ठगी में लिप्त है। वह सीताबर्डी के राहुल मार्केट में वर्ल्ड ग्रुप ऑफ सर्विसेज के नाम से कार्यालय चलाता था। यहां से ही लोगों को झांसा देता था। यवतमाल निवासी सुनील नागपुरे की बेटी को MBBS में दाखिला लेना था। उन्हें इंगले के MBBS काउंसिलिंग सेंटर का पता चला। नागपुरे ने इंगले से संपर्क किया। उसके कार्यालय में पहुंचने पर इंगले ने उनकी बेटी को मैनेजमेंट कोटे में पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज अथवा मैगी कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा दिया। उन्हें नागपुरे से कहा कि उन्हें कॉलेज की फीस के साथ से उसे 10 लाख रुपए डोनेशन के तौर पर देने होंगे। उसने पुनः 26 नवंबर को नागपुर को अपने कार्यालय में बुलाया। दत्ता मैगी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के तहत दाखिला देने का वादा किया। डोनेशन के तौर पर 10 लाख रुपए मांगे। उसने कॉलेज की फीस के तौर पर 50 से 60 लाख रुपए खर्च का आना बताया।
इंगले ने नागपुरे से कहा कि यदि कॉलेज जाकर उसका नाम बताकर दाखिले के संबंध में पूछताछ करोगे तो दाखिला नहीं मिलेगा। इससे नागपुरे को संदेह हुआ। उनके पड़ताल करने पर इंगले के अन्य लोगों से भी ठगी किए जाने का खुलासा हुआ। इंगले ने नागपुरे को एडवांस के तौर पर 1 से 2 लाख रुपए मांगे। इसी बीच नागपुरे को मैनेजमेंट कोटे का दाखिला बंद होने का पता चला। इसके बावजूद बेटी के नागपुरे ने क्राइम ब्रांच के DCP चिन्मय पंडित से प्रकरण की शिकायत की। पंडित के निर्देश पर हफ्ता वसूली निरोधक दल ने इंगले को हिरासत में लेकर सीताबर्डी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। इंगले को 2 दिसंबर तक हिरासत में लिया गया है, जबकि इंगले ने इसके पहले भी किसको धोखाधड़ी का शिकार बनाया है इसकी जांच सीताबर्डी पुलिस विभाग कर रहा है। नागपुर के गोकुलपेट के चर्चित कैफे विला 55 हुक्का पार्लर पर छापा मारकर उसके संचालक सहित 5 लोगों को पकड़ा गया है। आरोपियों में रोहित विनोद तुर्केल वाल्मीकि नगर, बलजीत अरविंद ओसान रजत विहार क्लार्क टाउन, खुशाल प्रमोद देव भरत नगर, लवेश गोपाल शर्मा जरीपटका तथा राहुल केशव रांगडाले पांड्रा बोड़ी का समावेश है। बताया जा रहा है कि बलजीत ओसान कैफे विला 55 का संचालक है। वह अन्य आरोपियों की मदद से इसे चलाता है। शनिवार की रात 11:30 बजे हुक्का पार्लर में पार्टी हो रही थी। इसकी भनक पुलिस को लगी। पुलिस को आरोपी हुक्का परोसते हुए मिल गए। हुक्के के साथ शराब का भी सेवन किया जा रहा था। पुलिस ने हुक्के के पॉट शराब सहित 18,000 का माल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसका पता चलते ही अंबाझरी तथा सीताबर्डी थाना क्षेत्र के अन्य हुक्का पार्लर तत्काल बंद हो गए। आरोपियों पर अंबाझरी थाने में कोपटा तथा शराब निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह क्राइम ब्रांच ने भी शहर के 20 होटल और बार पर छापा मारा था। 7 स्थानों पर केस दर्ज किया गया था। इसके बाद हुक्का पार्लर के काबू में होने का भरोसा था, लेकिन ताजा कार्रवाई से हुक्का पार्लर चलाए जाने की पुष्टि होती है। मेडिकल पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए भारत सरकार द्वारा NEET PG की परीक्षा ली जाती है। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में देरी की वजह से नए प्रवेश नहीं हो सके, जिस कारण निवासी डॉक्टरों पर काम का दबाव बढ़ गया है। प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर मेयो और मेडिकल के निवासी डॉक्टरों ने आंदोलन किया। इस वर्ष यह परीक्षा पहले जनवरी में ही ली जानी थी, लेकिन उसे बढ़ाकर मई और फिर बाद में 12 अगस्त को ली गई। करीबन 8 महीने परीक्षा में देरी होने के बाद सितंबर में ऑल इंडिया काउंसलिंग होने वाली थी, लेकिन आरक्षण विषयक याचिकाओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया पर 6 जनवरी 2022 तक रोक लगा दी। स्नातकोत्तर में 3 वर्ष के विद्यार्थी निवासी डॉक्टर बन सेवा देते हैं। तीसरे वर्ष परीक्षा देने के बाद डिग्री प्राप्त होती है। हर वर्ष तीसरे साल की डॉक्टर परीक्षा खत्म होते ही नए डॉक्टर नीट प्रवेश प्रक्रिया से मई या जुलाई तक आ जाते हैं। इस साल अगस्त में तीसरे वर्ष से विद्यार्थी तो परीक्षा देकर पास हो गए, लेकिन NEET PG की प्रक्रिया में रोक होने से नए डॉक्टर अब तक मेडिकल कॉलेज में नहीं आए हैं। करीब 33% कम निवासी डॉक्टर होने से 67% बचे हुए डॉक्टर्स पर काम का तनाव बढ़ रहा है तथा आरोग्य सेवा पर भी इसका असर हो रहा है। पहले ही एक वर्ष COVID-19 में सेवा देने से शैक्षणिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में नागपुर में मेडिकल और मेयो के निवासी डॉक्टरों के संगठन मार्ट की ओर से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इसमें अनेक निवासी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संपूर्ण जिले में चलाया जा रहा है।
कार्यक्रम के अंतर्गत 38 आरोग्य जांच पदक के मार्ग पर जिले की आंगनवाड़ी व स्कूलों में सभी 0 से 18 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क आरोग्य जाँच की जाती है और आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत कर्णबधिर 16 बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया की गई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामंजस्य करार के बाद नेल्सन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल धंतोली में सभी बच्चों का ऑपरेशन किया गया है। रविवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद योगेश कुंभेजकर ने नेल्सन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल धंतोली में बच्चों व उनके पालकों से मुलाकात कर संवाद भी साधा। कॉकलियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया के बाद अब सभी बच्चे सुन पाएंगे। कॉकलियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया बेहद जटिल होती है, इसके लिए तज्ञ डॉक्टरों की टीम की आवश्यकता होती है। नेल्सन हॉस्पिटल में कॉकलियर इम्प्लांट करने वाले डॉक्टर मनोहर शान मुंबई व उनकी टीम में शामिल डॉक्टर प्रशांत नाइक, डॉक्टर श्रीमती नाइक और नीलू सोमानी के साथ भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संवाद साधा। जो बच्चे जन्म से ही सुन नहीं पाते उन बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट नहीं होता, जल्द ही कॉकलियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया होने पर बच्चे सुन पा सकते हैं। मुख्य कार्यकारी कुंभेजकर कॉकलियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया की जरूरत वाले बच्चों का तालुका स्तर पर निदान करने की जानकारी दी। नागपुर के विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने पर केंद्र व राज्य शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की जांच करने के भी निर्देश दिए। ज्ञात हो कि एयर अरेबिया की नागपुर शारजा नागपुर फ्लाइट 5 दिसंबर को शुरू होने जा रही है। एयर अरेबिया ने हाल ही में नागपुर एयरपोर्ट को अपना शेड्यूल भेजा है। इसके तहत एयरलाइन 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 12 उड़ानों का संचालन करने की तैयारी में है। लगभग 2.5 साल बाद नागपुर से यही एकमात्र उड़ान शुरू होने जा रही है। नए निर्देश में उड़ानों का संचालन बंद करने के निर्देश नहीं है, जांच पर जोर दिया है। इसके अलावा बैठक में विभागीय आयुक्त लवंगारे वर्मा ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त यात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध रखे, ऑक्सीजन निर्माण प्लांट व मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट तैयार करने की कार्रवाई तेजी से पूरी करे। नागपुर में राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से कक्षा 1 से 4 तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग को इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोविड का नया वेरिएंट मिलने व उसके अधिक घातक होने की वजह से बच्चों के स्कूल शुरू करने पर एक बार फिर विचार करना होगा। इस समय नागपुर ग्रामीण में कक्षा 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई है। 4 घंटे स्कूल शुरू रखना है व एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करनी है। कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या इससे अधिक है, लेकिन शहर में अभी भी कक्षा 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ही शुरू है। कक्षा 5वीं से 7वीं तक के स्कूल अब भी प्रत्यक्ष में शुरू नहीं हो पाए हैं। कक्षा 1ली से 4थी तक की कक्षाएं बंद होने से स्कूलों को कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करने में दिक्कतें नहीं गई। ठंड का मौसम शुरू होते ही नवंबर से जनवरी के इन 3 माह तक खापरकेड़ा थर्मल पावर प्लांट की काली राख शाम 6 बजे से तड़के सुबह तक गाँव में आती है। अब यह राख लोगों के घरों में आने से स्थानीय लोग परेशान हो चले हैं। यह काली राख ऐसी होती है जो एक परत बना देती है। राख से सभी ग्रामवासियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। अधिकतर लोगों में सांस की बीमारी तो कुछ लोगों को शरीर में खुजली होने की शिकायतें मिल रही है, तो किसी की आंखों में तकलीफ हो रही है। खापरकेड़ा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख अब गंभीर समस्या बनती जा रही है। पिछले दिनों एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किए गए सर्वे में भी यही पाया गया था कि राख की वजह से न केवल लोगों के स्वास्थ्य को खतरा निर्माण हो गया है, बल्कि पक्षियों के लिए घातक बन गई है। इससे उपजाऊ जमीन को भी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले कई वर्षों से इस राख और राख से होने वाली समस्या को लेकर गांव के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को निवेदन देकर सूचना के बाद भी आज तक इस राख को रोकने का कोई उपाय नहीं हुआ है। राख की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। काली राख पूरे गाँव में 2 दिन पहले अचानक फैलने से यह बात आग की तरह गई। उसको देखते हुए थर्मल पार्टीशन के सभी अधिकारियों ने तत्काल मीटिंग रखकर जहां से राख उड़ रही है उस जगह मशीन जल्द से जल्द लगाने के लिए अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार कामगार को लगाया है। यह राख सिर्फ ठंड के मौसम में आती है। अचानक कोल फिटर खुलने से यह काली राख हवा में भी फैलती है, इसलिए काली राख को रोकने के लिए अनेक उपाय योजना करने की मांग पर्यावरण कमेटी के दिवाकर घेर, सरपंच पुरुषोत्तम चांदेकर, विनय महाजन, श्रीराम सातपुते, दिलीप बंसोड़, सुनील जालंधर, अमर जैन ने की। साथ ही 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
वन विभाग जंगलों में होने वाले क्राइम को रोकने के लिए एक सेल बना रहा है। इसे वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल नाम दिया गया है। इसका मकसद वनों में चोरी छुपे शिकार के लिए आने वाले लोगों पर नजर रखना है। सेल के सदस्य कैमरों के माध्यम से जंगल में प्रवेश करने वाले हर रास्ते के साथ कुछ चिन्हित जगहों पर कैमरे लगाकर उस पर नजर रख सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिलेगी, साथ ही समय पर उसकी पहचान भी होगी। उल्लेखनीय है कि वन विभाग में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। जंगल में बेकसूर जानवरों का शिकार कर उनके अंग बेचने का कारोबार चल रहा है। हालांकि वन विभाग की सतर्कता की वजह से अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन आलाकमान चाहता है कि वो घटना होने से पहले ही अपराधियों को रोके, जिससे बेजुबान जानवरों की जान बचाई जा सकती है। सूत्रों की माने तो विभाग को अपने ही कुछ लोगों पर शक है। इस तरह की कई शिकायतें भी मिली है। इन आरोपों या शिकायतों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए तो वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल की मदद लेंगे। ये सेल स्वतंत्र रूप से काम करेगी। अधिकारियों का मानना है कि सेल के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने, उन्हें सजा सुनाने में मदद मिलेगी। इसलिए वन विभाग ने WCC सेल को तैयार किया है, जिसका काम केवल वन अपराधों पर नजर रखना होगा। क्राइम सेल के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे राज्य की जानकारी इसमें दर्ज की होगी। ऐसे में आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई अपराध होता है तो आरोपी का नाम सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाएगा। इस सेल का काम अपराधियों की पूरी डिटेल सॉफ्टवेयर में अपलोड करना भी होगा। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।